नदी में दिखा लाखों मरी मछलियों का सैलाब, लोग हैरान। ऑस्ट्रेलिया की एक नदी में लाखों मछलियों का सैलाब सामने आने से लोग हैरान हैं। यहां डार्लिंग रिवर में पिछले कुछ दिनों में अचानक बड़े पैमाने पर मछलियां मरने से रोक सकते हैं। बताया जा रहा है कि मर रही मछलियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरी नदी सफेद रंग की दिख रही है। इतनी बड़ी तादाद में मछलियों के मरने की घटना पिछले कुछ ही दिनों में हुई है। स्थानीय प्रशासन ने इस लेकर मंगलवार को चेतावनी जारी की। जानकारी के अनुसार जिस इलाके में मछलियों के मरने की घटना सामने आई है वह इलाका भीषण सूखे की मार्च से गुजर रहा है। यह इलाका दक्षिण पूर्वी छोर में बसे मेनेंडी शहर का है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि नदी में पानी कम होने और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होने से मछलियां मरी हैं। न्यू साउथ वेल्स में स्थिति ऑस्ट्रेलियाई प्राइमरी इंडस्ट्री के विभागीय निरीक्षक ने जब इलाके का दौरा किया तो पाया कि यहां की नदी में लाखों की तादाद में मछलियां मर रही हैं। इसके बाद डार्लिंग नदी का दौरा कर अन्य अधिकारियों ने पाया बड़े पैमाने पर मछलियां मर चुकी हैं और जो जीवित हैं उनकी भी हालत ठीक नहीं है। बहुत सी मछलियां तो आखिरी सांस से ले रही हैं। नदी का निरीक्षण करने वाले अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इलाके में गर्मी बढ़ने और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम होने के कारण ये मछलियां मर रही हैं। राज्य के जल मंत्री ने भी डार्लिंग नदी का दौरा किया और मीडिया को बताया कि इस आपदा से निपटने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके बारे में हम कह दें कि पैसे नहीं है, बल्कि यह ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं समझ में आ रहा है। नदियों में एरेटर पानी निकालने का यंत्र लगवाया जा सकता है, लेकिन यह त्वरित समाधान है।